पर कानपुर से है, थाने में थर्ड डिग्री का मामला सामने आया है, वीडियो वायरल हो रहा है। सचेंडी एसओ ने युवक को थर्ड डिग्री दी है। सचेंडी एसओ ने मानवता को शर्मसार किया है। युवक को खंभा पकड़ा कर पट्टे से पीटा गया है। चीखता रहा है युवक, पीटते रहे एसओ साहब, पट्टे चलाते रहे हैं एसओ शेष नारायण पांडे। इनका नाम शेष नारायण पांडे है, ये एसएचओ है, ये सचेंडी थाना है जहां पर एक युवक को थर्ड डिग्री दी है। युवक को कंभे से बांध कर पीटा गया है। अवनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, सचेंडी थाने में यह कब का मामला है और जिसको बड़ी बेरहमी से पीटा जा रहा है उसके ऊपर क्या आरोप है और क्या उसकी पेशी हो चुकी है? देखिए, इस युवक को चोरी की सबूत पूछताछ के लिए लाया गया था और चोरी से नहीं कबूली तो उसको पट्टे से दोनों हाथ पकड़ जमकर पीटा गया। और अभी इसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं की गई थाने में और न ही अधिकारी बताने तैयार है ये व्यक्ति कहां पर है। तो इसका पूरा वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी उसको थाने से हटवा दिया है। हालांकि इस मामले में कोई ऐसी प्रभावी कार्रवाई भी नहीं की गई है थाना अध्यक्ष के खिलाफ जिन्होंने इस तरह के थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया है एक निर्दोष युवक पर। यानी चोरी का आरोप है और चोरी के आरोप के बाद एसएचओ उसे मारपीट रहे हैं। अभी आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है, उसके पहले थर्ड डिग्री उसे दी जा रही है। और फैसले की घड़ी अब आ चुकी है। दिल्ली से खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी को बुलाया है। मुख्य सचिव और डीजीपी को सीजीआई ने बुलाया है मिलने के लिए। जस्टिस रंजन गोगोई ने मिलने के लिए बुलाया। 12 बजे सीजीआई के चैंबर में मीटिंग होगी। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर मीटिंग होगी। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ये जान लेना चाहते हैं फैसले से पहले कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है आप लोगों की। इसीलिए आरके तिवारी को यानी मुख्य सचिव को और डीजीपी ओम प्रकाश सिंह दोनों को बुलाया है। 12 बजे इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात करनी है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लान पूछेंगे आप लोगों की क्या तैयारी है, चूंकि आपने इसके पहले देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में आरके तिवारी को किस तरह से फटकार लगाई गई थी पर्यावरण के मामले में। तो उसके बाद आज जब अयोध्या का फैसला आने वाला है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये जान लेना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना तैयार है इसको लेकर। हालांकि उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सिर्फ अयोध्या नहीं, अयोध्या के आसपास के जो जिले हैं वहां भी सुरक्षा चाक चौबंद है, व्यवस्था पूरी तरह से टाइट है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने डीजीपी ओम प्रकाश सिंह और मुख्य सचिव आरके तिवारी को बुलाया। आवेश उस्मानी इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। आवेश, खबर यह है कि 12 बजे रंजन गोगोई ने डीजीपी को बुलाया है और आरके तिवारी को बुलाया है। जी बिल्कुल, अयोध्या मामले में सबसे बड़ी खबर यही है कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव को आज बुलाया है। 12 बजे इन चैम्बर मीटिंग होंगी और ये बताया जा रहा है जो हमारे सूत्र हैं कि सुरक्षा की समीक्षा को लेकर ये बैठक है। हालांकि केंद्र सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद है और केंद्र सरकार ने भी कल सभी राज्यों को और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश को भी एडवाइजरी जारी की थी और कहा था कि सभी तरह से सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। RPF जो है उसने अपने सभी जवानों की जो छुट्टियाँ थी उनको कैंसिल कर दिया है और ये निर्देश जारी किया गया कि जिन रेलवे स्टेशनों पर 30% बिजली बचाने के लिए 30% लाइटिंग की जाती थी उनको अब 100% कर दिया जाए और पूरी तरह से लाइटिंग जलाई जाए। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि लोग जो रेलवे स्टेशनों के पास आसपास जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो उसको लेके RPF की तरफ से भी और गृह मंत्रालय की तरफ से भी एडवाइजरी जारी थी और आज उसी की समीक्षा को लेकर, क्योंकि अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 13, 14 और 15 को सुप्रीम कोर्ट अयोध्या विवाद मामले में कोई बड़ा फैसला जो है वो सुना सकता है।
तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सुरक्षा समीक्षा जो है वो चीफ जस्टिस भी अपने तौर पे करना चाहते हैं और पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है या हो रही है। तो उसको लेकर ही आप DGP आएंगे और मुख्य सचिव आएंगे और वो चीफ जस्टिस को तफसील से बताएंगे कि किस तरह से सुरक्षा समीक्षा के बंदोबस्त जो हैं वो उत्तर प्रदेश में किए गए हैं, किस तरह की एडवाइजरी जारी की है और क्या क्या ग्राउंड जो हैं वो सुरक्षा के लिए किए बंदोबस्त किए जा रहे हैं। तो 12 बजे के आसपास चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के चैम्बर में इन चैम्बर मुलाकात जो है DGP उत्तर प्रदेश के और मुख्य सचिव करेंगे और ये मुलाकात कितनी लंबी चलती है ये देखने वाली बात होगी क्योंकि बहुत अहम मुलाकात है। अयोध्या मामले में 13, 14 और 15 को किसी भी दिन उम्मीद की जारी की फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आवेश उस्मानी। यानी 12 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुख्य सचिव RK तिवारी को और DGP को बुलाया है, उन्हें आके बताना होगा। उसके पहले की ये 5 तस्वीरें हैं, CM ने बैठक की, अयोध्या में चौकसी और बढ़ा दी गई है, लखीमपुर खीरी में अस्थाई जेल बनाई गई है, अंबेडकर नगर में अस्थाई जेल बनाई गई है, यानी और ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां पर शांति की अपील की गई है। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और उसके आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और आप आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने RK तिवारी यानी मुख्य सचिव और साथ ही साथ DGP OP सिंह को तलब किया है यानी बुलाया है। वो जान लेना चाहते हैं, समझ लेना चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में किस तरह से चाक चौबंद है। फैसले के पहले अयोध्या मामले पर जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, साथ ही योगी सरकार से लेकर पूरा प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर आ गया है। CM योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की एक बैठक की, समीक्षा की। बैठक में DGP और मुख्य सचिव RK तिवारी ये दोनों लोग थे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अयोध्या के फैसले के मद्देनजर लखनऊ महोत्सव की तारीख जनवरी के तीसरे सप्ताह तक के लिए बढ़ा दी गई। शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और बिजनौर में 4,000 से अधिक ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं। ये वो लोग हैं जो बवाल करवा सकते हैं। इसके अलावा 90 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जो संवेदनशील हैं। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब पर नजर रखी जा रही है। अयोध्या में 30 बम निरोधक दस्तों की तैनाती की गई है। रेलवे स्टेशनों के पास और रेलवे की भूमि में बने धार्मिक स्थलों की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। और आप सभी को भी भारत समाचार की तरफ से एक हिदायत है, एक अपील है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखने में सरकार की मदद करें। चूंकि ये बहुत पुराना मामला है, बहुत समय से पेंडिंग था और अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला लिखा जा रहा है और बहुत जल्द फैसला आने वाला है, यानी 13, 14, 15 वो तारीख हो सकती है जब फैसला आ जाए, तो आप शांति रखिए। चूंकि मध्यस्थता का मौका आप लोगों को दिया गया, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, लेकिन आप लोगों में बात बनी नहीं और आप लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर नजर लगाए बैठे थे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है तो सरकार और सभी का सहयोग कीजिए और फैसले को स्वीकार कीजिए। अयोध्या मामले में फैसले से पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर पर 17 तारीख से पहले कभी भी फैसला आ सकता है। पुलिस के घोड़ों की लगाम टाइट है, बंदूकें लोड हो चुकी हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। पुलिस बचाव की भी तैयारी कर रही है और बचने की भी पूरी तैयारी कर चुकी है। असामाजिक तत्वों के सिर कुचलने के लिए हर तैयारी की जा चुकी है। एटा में पुलिस ने किसी तरह के दंगे को कंट्रोल करने के लिए खुद मैदान में रिहर्सल की। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए बंदूकों को चेक किया गया। सहारनपुर में भी उपद्रवियों को बैरंग वापस भेजने के लिए पुलिस ने प्रैक्टिस की।
हवा में आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पत्थरबाजों को रोकने की रिहर्सल हुई। रिहर्सल में एक तरफ नकली दंगाई थे तो दूसरी तरफ पुलिस। अमेठी में भी पुलिस चौकन्नी है, पुलिस तैयार है, पुलिस के घोड़े भी तैयार हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए अमेठी पुलिस के घोड़े वाले जवान दिन रात पसीना बहा रहे हैं। गांव गलियों में पुलिस गश्त कर रही है। राम जन्मभूमि के परिप्रेक्ष्य में जो भी निर्णय आए वो सभी लोगों को मान्य रहे। अफवाह फैलने या फैलाने वाले या उसका बढ़ावा देने वाले के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आगामी जो राम जन्मभूमि का निर्णय है वो भी सब लोग खुले दिल से खुले मन से उसको एक्सेप्ट करें। समाज के जहरीले नागों के फन कुचलने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। ये तस्वीर देखिए, गैस आंसू गैस के गोले बंदूक से दागने हैं, इसकी पूरी तैयारी है। जवान निशाना लगा रहे हैं, सब पोजीशन ले चुके हैं, बस मंदिर पर फैसले का इंतजार है। ऐसा नहीं है कि केवल पुलिस ही अमन और शांति के लिए पसीना बहा रही है। फैसले के बाद बाहरी ताकतों से निपटने के लिए बॉर्डर पर भी सुरक्षा बल तैयार है। जंगलों में सीमा की सुरक्षा में तैनात जवान और भी चौकन्ने हो गए हैं। अयोध्या पर आने वाले फैसले के लिए तैयारी यूपी के हर जिले में है। कहीं भी परिंदा पर न मार पाए इसके लिए हरदोई में शहर से लेकर गांव तक पुलिस की नजर है। गली गली पुलिस घूम रही है और संदिग्धों पर पैनी नजर है। पूरा यूपी अलर्ट पर है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों के साथ रात में बैठक बुलाई और सख्त आदेश दिए हैं कि अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। भड़काऊ भाषण देने वाले किसी भी कीमत पर बचने न पाएं। हर जिले में कंट्रोल रूम बनेगा। डायल 112 पर तत्काल रिस्पांस के सख्त आदेश दे दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। 4000 अतिरिक्त सुरक्षा बल अयोध्या भेजे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर आगरा से खबर है, अयोध्या फैसले को लेकर अलर्ट आगरा में भी जारी कर दिया गया है। एडीजी डीआईजी एसएसपी के निर्देश पर पुलिस मुस्तैद है। बवाल करने वालों को पुलिस चिन्हित कर रही है और करना भी चाहिए। पुलिस कर रही है पाबंदी की कार्रवाई, खबर बड़ी है। देखिए, ड्रोन कैमरों के जरिए भी निगरानी लगातार की जा रही है। पुलिस ड्रोन कैमरे से भी निगरानी कर रही है। ड्रोन कैमरा करेगा धार्मिक स्थलों की निगरानी। निर्देश पर पुलिस मुस्तैद हो गई, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। फैसले की घड़ी बस आ गई है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो बवाल मचा सकते हैं, जो भड़काऊ बयान देने के लिए जाने जाते हैं, उन सारे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। और यूपी की सियासत से जुड़ी आज की एक बहुत बड़ी खबर है। गेस्ट हाउस कांड में मायावती ने अर्जी दी है, मुलायम से केस वापसी की माया ने अर्जी दी है। यानी मायावती ये नहीं चाहती हैं कि मुलायम सिंह के खिलाफ केस चले, इसलिए उन्होंने अर्जी दी है केस वापसी की। यानी बैकफुट पर है मायावती। गेस्ट हाउस कांड में मायावती मुलायम हुई है। मायावती ने कोर्ट में केस वापसी की अर्जी दी है। अन्य आरोपियों का अर्जी में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह को राहत है। ये लोकसभा चुनाव में मुलायम के लिए वोट भी मांगा था। एक मंच पर मुलायम सिंह यादव के साथ दिखी थी। वो मंच मैनपुरी का था, जहां पर अखिलेश यादव, मायावती और मुलायम सिंह यादव बीच में बैठे थे। लखनऊ में डीएचएफएल घोटाले को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान आया है। जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल होंगे, कितने भी ताकतवर हों, सरकार उन्हें बख्शेगी नहीं। डीएचएफएल को लेकर जिस तरह सरकार जो है लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है, आज जो है तमाम जो अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। हमारे साथ खुद कैबिनेट मंत्री मौजूद, हम बात करेंगे। सर, किस तरह देखते हैं और मुख्यमंत्री खुद इस पर संजीदा हैं और आज कार्रवाई भी की गई है? आगे भी कार्रवाइयाँ होंगी। जो लोग भी भ्रष्टाचार में शामिल होंगे, चाहे वो कितनों ताकतवर होंगे,
किसी को भी सरकार बख्शेगी नहीं, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अभी गिरफ्तारियां हुई हैं, आवश्यक हुआ अगर कोई और किसी कोने से दोषी अगर रहा बना तो उसको भी छोड़ने का काम नहीं होगा, उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी। सर, जो तमाम बिजली कर्मचारी हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनकी ये मांग है कि चेयरमैन है उनको हटाना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है ऊर्जा मंत्री भी। नहीं, उनके संगठन के तमाम वरिष्ठों के साथ संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है और निश्चित तौर पर सरकार के साथ कर्मचारी हैं, आज सरकार भी कर्मचारियों के हितों के साथ है, हम उनसे अलग नहीं हैं, उनके साथ मिलजुल कर बैठ कर जो बात होगी उससे जो रास्ता बनेगा उस पर हम सब लोग चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल जिस तरह से ये घोटाला सामने आया है उसमें लगातार जो है कार्रवाइयों का जो दौर है वो भी दिखाई दे रहा है, आज भी जो है तमाम अफसरों पे कार्रवाई की गई है। इसके अलावा साफ कहना है मंत्री जी का कि आने वाले वक्त में भी जो है इस पे कार्रवाई जो है दिखाई देगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन अमित साथ, अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। बहुत शुक्रिया अनिल राजभर जी गोलमोल जवाब देने के लिए। ये गोलमोल जवाब तो कोई भी दे लेता। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। नोएडा के सेक्टर 125 स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उद्योगपति रतन टाटा और जीएमआर ग्रुप के चेयरमैन जीएम राव को डॉक्टरेट डिग्री से सम्मानित किया गया, यानी अब ये डॉक्टर हो गए। कार्यक्रम में एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहे। हालांकि निजी कारणों की वजह से उद्योगपति रतन टाटा नहीं आ पाए। भारत आधारित शिक्षा जो पूरी दुनिया के शिखर तक पहुंचाने का मादा रखे और बच्चे से लेकर के और शिखर तक वो हर क्षेत्र में भारत कैसे सशक्त, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नई भारत के निर्माण की परिकल्पना की है, जो संकल्प लिए है, उस नए भारत जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, ऐसे श्रेष्ठ भारत और एक भारत के वो जो आधारशिला बनने वाली ये जो नई शिक्षा नीति है, हम आशा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये लोगों के सामने आएगी। इधर पहाड़ों में मौसम खुशनुमा हो गया है, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। हम आपको बर्फबारी की अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए केदारनाथ, रजौरी, लाहौल स्पीति, शिमला और कुल्लू की ये 5 तस्वीरें जहां का मौसम बेहद खुशनुमा है। अगर आप यहां पर नहीं गए तो आप जा सकते हैं, अगर छुट्टियों में कोई प्लान कर रहे हैं। ये 5 प्रमुख तस्वीरें हैं। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, कुल्लू, केदारनाथ, रजौरी, लाहौल स्पीति, शिमला, ये 5 प्रमुख तस्वीरें हैं। बर्फबारी हो रही है चारों तरफ, मौसम का हाल बेहतर है, पहाड़ों में मौसम बेहद खुशनुमा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। मौसम का बर्फ का लगातार जारी है, कई जगहों पर बर्फ पड़ रही है ये देखा गया है और इसकी वजह से बहुत माहौल जो है खुशनुमा है। इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।